बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शादी की तकरीब बड़ी धूमधाम से जारी थी। दूल्हा दुल्हन बड़ी शान और शौकत के साथ स्टेज पर बैठे थे। दुल्हन ने दूल्हा के कान में कहा, अपनी माँ को स्टेज से उतार दो क्योंकि मैं उसे नापसंद करती हूँ। दूल्हे ने दुल्हन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उठा और माइक अपने हाथ में पकड़कर 3 दफा ऐलान किया, मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ, मुझसे मेरी माँ कौन खरीदेगा। ऐलान सुनकर हाजरीन पर सन्नाटा तारी हो गया और फिर ये दूल्हा बोला, मैं अपनी माँ को खुद ही खरीदूंगा। उसने शादी की अंगूठी उतार दी और दुल्हन को तलाक दे दी और माँ के कदमों में बोसा देते हुए कहा, मैंने नफा का सौदा किया है, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, किसी के कहने पर मैं उसे छोड़ दूँ ये तो नामुमकिन है। हाजरीन में से एक आदमी ने खड़े होकर ऐलान किया, मैं इस नौजवान के साथ अपनी बेटी का निकाह करता हूँ, और कहा, इससे बेहतरीन मेरी बेटी को खावन नहीं मिल सकता। इस नौजवान ने दुनिया भी कमा ली और अपनी जन्नत अपनी माँ भी पा ली। माँ वो हस्ती है जो औलाद के तमाम राज अपने सीने में छुपा लेती है। माँ वो हस्ती है जो धनक की तरह खूबसूरती के तमाम रंग बना लेती है। माँ वो हस्ती है जो गुनहगार औलाद को भी दोजक से बचा लेती है। माँ वो हस्ती है जो जन्नत को भी कदमों के नीचे दबा लेती है। माँ अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के लिए कीमती और नायाब तोहफा है, इसलिए कभी माँ का दिल मत तोड़िए। माँ का हक अदा करते रहो, कसम है अल्लाह की अगर तुम अपना गोश्त काट कर इसे दे डालो, जब भी इसका हक अदा ना होगा तुमसे। यार मेरी माँ पर कभी कोई मुसीबत ना आए, मेरी माँ का साया हमेशा मुझ पर रहे, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी माँओं का साया उन पर हमेशा कायम और दायम रहे।